कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। कभी देश की अग्रणीय दूर संचार कंपनी रही BSNL आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सेवाओं के नाम पर कोई भी जवाबदेह अधिकारी आपको कार्यालय में नहीं मिलता। आइए तो देखते हैं इस पर हमारे प्रतिनिधि कुणाल कपूर की एक विशेष रिपोर्ट। स्मार्टफोन आईफोन के जमाने में टेलीफोन अब एक इतिहास बनते जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से पिछड़ते जा रहा है। टेलीफोन का काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है, आजकल जो है सेल फोन से ही लोग अपना काम चला रहे हैं। ऐसे में जो कि इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, आपने देखा भी होगा किस तरीके से BSNL की जो चर्चा चल रही है कि धीरे धीरे जो स्टाफ कम तो होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में BSNL को भी एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारे शहर में BSNL के भी लगभग 8,000 उपभोक्ता हैं, लेकिन उन उपभोक्ताओं के लिए फील्ड में अगर बात करेंगे टेक्निकल लोग जो है वो मात्र 10 हैं, और वहीं पर दफ्तर की बात करेंगे तो दफ्तर में भी काफ़ी कम कर्मचारी जो है काम करते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे और हमने जब यहाँ के इंचार्ज से बातचीत की तो पता चला कि फील्ड में यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम जब आती है तो उनके लिए जो है मात्र 10 लोग जो है फील्ड में हैं और 8,000 उपभोक्ता है। और इसी दफ्तर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल के लिए और शिकायत के लिए लोग आते हैं, तो इस दफ्तर में भी जो है काफ़ी कम लोग हैं, जिसकी वजह से नागरिकों को शिकायतें हैं और वो शिकायत जब यहाँ पर लेके आते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिक्कतें होती है। BSNL की बात करें तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आधुनिक समय में कहीं ना कहीं आईफोन और जो समय चल रहा है जो कि स्मार्टफोन का समय चल रहा है तो टेलीफोन्स में काफ़ी दिक्कत है, लेकिन व्यापार के लिए और आज भी जो है घरों में दफ्तरों में टेलीफोन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो क्या परिस्थिति देखने को मिलती है, क्या दिक्कतें यहाँ देखने को मिलती है? कोणार्क न्यूज़ की तरफ से ये शहर को उद्देश्य देना चाहता हूँ, एक बताना चाहता हूँ सच्चाई। आजकल आप कुछ भी गवर्नमेंट के लाइन में जाओगे, आपको लाइट बिल मांगेंगे, टेलीफोन बिल में मांगेंगे और आधार कार्ड मांगेंगे, ये तीनों चीज़ आपसे लाइफ मांगेंगे। भाई आपके पास ये तीनों चीज़ है तो आपका कुछ चालू होगा, चाहे पासपोर्ट बनाने जाए, चाहे लेसन बनाने जाए, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ बनाने जाए, तो उसके लिए आपको टेलीफोन बिल, लाइट बिल और आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ की ज़रूरत है। पर हमारे उल्लासनगर के इतनी बदनसीबी हर किसी चीज़ के अंदर हर फील हर तकलीफ़ के अंदर, चाहे रोड के खड्डे हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट लेवल का काम हो, चाहे जैसे हमारे BSNL का 8,000 पब्लिक के पास टेलीफोन है, 8,000 पब्लिक के पास टेलीफोन है और काम करने वाले सिर्फ 8 बंदे, उल्लासनगर 1 से 3 नंबर 8,000 टेलीफोन है, 8,000 टेलीफोन चाहे दुकानों के हो चाहे घर के हो, उसके अंदर सिर्फ 8 लोग काम करने वाले हैं। बताओ कहाँ पे कितनी पब्लिक कितनी तंग होती होगी, बिल भरे ने के बाद भी टेलीफोन चालू नहीं होता है और लाइनमैन प्राइवेट हो चुके हैं। ऑफिस के अंदर आप देखोगे सब कुर्सियाँ खाली पड़ी है, शिकायत कोई लेने वाला नहीं है, बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है ऑफिसर का, उसकी 60-70 हज़ार पगार है, वो मोबाइल बंद करके बैठा है। बल्कि गवर्नमेंट ड्यूटी वाले को, गवर्नमेंट सर्वर को मोबाइल चालू रखना है और किसी भी बंदे का शिकायत दूर करे या न करे, फ़ोन पर शिकायत सुनना तो चाहिए। मोबाइल बंद, बोर्ड पर नाम लिख के रखा है, मोबाइल नंबर डाल के रखा है, आप इन पे बात करो, अंदर जाओ तो बोलते हैं इनसे बात करो, उनका मोबाइल बंद, फिर ऊपर ऑफिसर के पास जाओ, ऑफिसर बोलता है मैं अकेला क्या क्या करूं, जो मेरा काम नहीं है वो भी मैं कर रहा हूं, जो मेरी फील्ड नहीं है वो भी मैं काम कर रहा हूं। तो ये BSNL अगर सब कुछ कल्याणी कर रही है तो ये BSNL खुला क्यों है ये मुझे बताओ, बंद कर दो ना BSNL, लैंडलाइन सब बंद करा दो। आज मैं एक महीने से अपने लैंडलाइन का नंबर मोबाइल में ट्रांसफ़र करने को दिया हूं, आज एक महीने से मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट सब पूरा होने के बाद भी ऑफिसर नहीं है, सिस्टम डाउन है, ये है वो है, बातें कभी कोई आओ किससे बात करो, फिर उसकी शिकायत सुनो, फिर उससे बात करो, 10 दिन से चक्कर काट काट के आखिर तकलीफ़ में होके मैंने जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको मैंने फ़ोन किया, भाई आ जाओ और ये BSNL की हालत देखो, और हमारे MLA साहब को भी मैंने फ़ोन किया, कुमार एलानी साहब को, भाई आपके बाजू में आपके ऑफिस के बगल में BSNL की हालत क्या है वो तो देखो, आप भी ऑफिस में लैंडलाइन यूज़ करते होगे, हाँ ऐसे बड़े बड़े आज महानगर पालिका में लैंडलाइन यूज़ होता है, गवर्नमेंट ऑफिस जितने हैं यहाँ पे लैंडलाइन यूज़ होता है, पर लैंडलाइन यूज़ करने के बाद जो बंद होता है उनकी शिकायत कहाँ पर किया जाए, कैसे चालू होगी, ऑफिसर लोग नहीं है, लैंडलाइन आदमी लोग नहीं है, कैसे चालू होगी शहर के ऊपर? कुणाल जी मैं कोणार्क न्यूज़ की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट ध्यान दे
और शहर के अधिकारी और जो एमएलए साहब है, उपमहापौर, महापौर, ये सब ध्यान दो कि शहर के अंदर ये गवर्नमेंट ऑफिस में शिकायत इतनी तकलीफें क्यों है, क्या दिक्कतें होती है। आज मेरा 20 दिन से फ़ोन बंद है, फ़ोन कर के इनको तंग हो गया हूँ। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सर आए हैं, वहाँ पे लाइन वायर मैन नहीं है, कोई नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। आज मैं 20 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे, कोई नहीं फ़ोन उठा रहा है, यही प्रॉब्लम होती है। क्या व्यवसाय करते हैं आप? मेरा खुद का बिजनेस है। टेलीफोन का बिजनेस है आपका? टेलीफोन का बिजनेस है, दो नंबर। जो परिस्थिति यहाँ नज़र आ रही है BSNL को लेकर और जो ग्राहकों को दिक्कतें हो रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर सुधार लाया जाए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।